वेलकम बैक दोस्तों, मैं मोहम्मद फायज खान, आप देख रहे हैं एफ के ऑनलाइन सर्विस। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गूगल पे फोन पे को कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको यूज करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए उसमें आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में एक मोबाइल नंबर लगा होना कंपलसरी है। दोस्तों साथ में आपके बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड भी होना चाहिए। इतना कुछ यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप गूगल पे फोन पे को यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में गूगल पे फोन पे जो भी आपको यूज करना है उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आप देखेंगे उसमें सक्सेसफुल अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करके ओपन करेंगे। आप देखेंगे उसमें ऐड अकाउंट पे जाकर अपने उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका आपका बैंक अकाउंट है। आप उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जो डिटेल मांगेगा, जैसे आपके एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड के लास्ट का डिजिट नंबर जो पूछेगा उसको वहां पर डाल के जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें आपको ओटीपी लेकर के 4 अंक का एम पिन क्रिएट करने को कहेगा। आप 4 अंक का एम पिन क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद में आप सक्सेसफुल गूगल पे फोन पे जो भी चाहेंगे उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों आप किसी भी शॉप पर या किसी भी जगह पर आप QR स्कैनर के माध्यम से और आप मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप गूगल पे फोन पे को यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको गूगल पे फोन को यूज करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है ये आपको पता चल गया होगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।